क्या आपको पता है कि बल्क डीजल कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज किस तरीके से अपना डीजल खरीदती है? ये होता है बैरल्स और कैंस में। अब ये बैरल्स और कैंस किसी व्हीकल पर लोड कर वो व्हीकल पेट्रोल पंप पर भेजा जाएगा और वहाँ से डीजल साइट तक लाया जाएगा। अब ये सारी प्रक्रिया बहुत सारी चुनौतियों से और नुकसानों से भरी हुई है। इसमें डीजल की चोरी, डीजल का स्पिलेज और कोई सुपरविजन नहीं है। अब इस सारी प्रक्रिया में डीजल का स्पिलेज हो सकता है, उसकी चोरी हो सकती है और ये सारी प्रक्रिया किसी की निगरानी में नहीं होती। इससे व्यवसायों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन बस इतना ही नहीं, यहाँ तक कि इस स्थान पर डीजल लाए जाने के बाद भी डीजल का कोई एक्यूरेट डेटा नहीं मिल पाता। व्यवसाय के मालिकों को कभी सटीक ईंधन डेटा नहीं मिलता और इससे अंततः व्यवसायों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन हम अचानक इस प्रणाली में होने वाले सारे नुकसानों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अब हमारे पास एक समाधान है जो कुछ ही क्लिक्स में इन सभी नुकसानों का ख्याल कर इन्हें दूर कर सकता है। आपके सामने प्रस्तुत है रिपोस फ्यूल डेटम। यह एक ऐसा मशीन है जिसे ग्राहक के स्थान पर बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। इसमें डीजल 2400 घंटे स्टोर किया जा सकता है और फिर आवश्यकता के अनुसार ये किसी भी मशीन या किसी भी वाहन में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है और इस मशीन के माध्यम से डीजल प्रोक्योरमेंट और डीजल डिस्ट्रीब्यूशन के सारे लॉग्स, सारा डेटा आपको चुटकियों में रिपोस ऐप पर मिल सकता है। इस तरीके से व्यवसाय अब डीजल खरीदने की और डीजल इस्तेमाल करने की पूरी प्रक्रिया को एकदम परफेक्ट बना सकते हैं। ये मशीन किस तरीके से काम करती है, इसका एक लाइव डेमो मैं अब आपको दिखाना चाहूंगा। यहां एक मशीन है जो अब रिपोस फ्यूल डेटम से डीजल प्राप्त करेगी। अब पूरे प्रक्रिया का प्रवाह इस तरीके से होता है कि जब आपके पास साइट पर वह मशीन हो जिसमें आप डीजल देना चाहोगे, आप रिपोस ऐप में जाकर सब एसेट सेक्शन में उस मशीन को जोड़ोगे। फिर आप ये बताओगे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर मशीन है। फिर आप मशीन का नंबर उसमें टाइप करोगे और तब ये मशीन ऐड बटन पर क्लिक करने पर ऐप में जुड़ी जाएगी। अब ये मशीन इस ऐप से जुड़ चुकी है। जब यह मशीन रिपोस ऐप में एक सब एसेट के रूप में जोड़ी गई है, तब इस मशीन को डीजल की आवश्यकता होती है। तब जाकर ऑपरेटर इस मशीन के नाम पर आवश्यक मात्रा में डीजल का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और मैं एक मैनेजर या फिर बिजनेस ओनर के तौर पर उस दिए गए ऑर्डर को या तो स्वीकार कर सकता हूं या तो रिजेक्ट कर सकता हूं। अब मैं ऑपरेटर से अनुरोध करूंगा कि वो रिपोस फ्यूल डेटम से डीजल निकालने के लिए फोकलिफ्ट एसेट के नाम पर एक 5 लीटर का ऑर्डर जारी करे। जब ऑपरेटर द्वारा फोकलिफ्ट एसेट के लिए एक ऑर्डर जनरेट कर दिया गया है, अब एक मालिक या फिर एक मैनेजर के रूप में मैं इस ऑर्डर को या तो स्वीकार कर सकता हूँ या तो रिजेक्ट कर सकता हूँ। अब जैसे ही मैंने ये ऑर्डर एक्सेप्ट किया, आप इस मशीन में वही 5 लीटर का ऑर्डर रिफ्लेक्ट होता हुआ देख सकते हैं। अब यहाँ मशीन में आप देख सकते हैं ये 5 लीटर का ऑर्डर रिकॉर्ड हो चुका है। अब हम 5 लीटर ऑर्डर फोकलिफ्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। इस पूरी प्रक्रिया की खूबसूरती यही है कि ये पूरी प्रक्रिया बिना किसी मैनुअल इंटरफेरेंस के कम्प्लीट होती है। जब हम कहते हैं कि 5 लीटर का ऑर्डर जारी कर दिया गया है, तो ये मशीन केवल 5 लीटर ही डीजल डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ना एक बूंद ज़्यादा ना एक बूंद कम, और इसी तरीके से ईंधन की चोरी पर रोक लगाई जा सकती है। इस तरह हम पूरे सब एसेट की खपत को, उसके डेटा को ऐप में रिकॉर्ड होता हुआ देख सकते हैं। जब फोकलिफ्ट द्वारा दिया गया 5 लीटर का ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है और ये डीजल रिपोस फ्यूल डेटम से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तब हम देख सकते हैं कि इस मोबाइल ऐप में ये 5 लीटर ऑर्डर की एंट्री रिकॉर्ड की गई है। इसी तरीके से आप जितनी भी संख्या में आपकी साइट्स पर मशीन्स है, एसेट्स है, व्हीकल्स है, इन सभी को सब एसेट के रूप में रिपोस ऐप में जोड़ सकते हैं और फिर रिपोस फ्यूल डेटम से इन सारे व्हीकल्स और मशीन्स में डीजल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उसका सारा डेटा आपको रिपोस ऐप में दिखाई देगा। ये डेटा आपको
डेली, वीकली, मंथली या एनुअली इन सभी मैनर्स में मिल सकता है। ये सारी प्रक्रिया ईंधन की चोरी या फिर डेटा की कमी ऐसी सारी चुनौतियों को कम्प्लीटली दूर कर देती है और इस तरीके से आप अपने व्यवसाय में फ्यूल मैनेजमेंट को पूरी तरीके से परफेक्ट बना सकते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि डेटम में डीजल कहाँ से आता है, तब रिपोस फ्यूल डेटम और रिपोस ऐप आपको और एक सहूलियत देता है और वो ये है कि आप किसी भी समय अपने रिपोस फ्यूल डेटम में डीजल कितना बचा है यह अपने ऐप पे आप देख सकते हैं। तो जब कभी आपको ऐप में ये दिखता है कि आपके डेटम में डीजल का स्तर एक लेवल से नीचे जा चुका है, तब आपको बस ये करना है कि आप रिपोस ऐप में जाकर आपकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ डीजल दर्ज कर सकते हैं और रिपोस फ्यूल डिलीवरी के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये ऑर्डर जब आपके डिलीवरी पार्टनर के पास जाता है, उनके ऑर्डर एक्सेप्ट करते ही कुछ ही समय में रिपोस फ्यूल स्टेशन आपके स्थान पर पहुंचकर आपके रिपोस फ्यूल डेटम को रिफिल कर देता है। और जैसे ही आपका रिपोस फ्यूल डेटम रिफिल हो जाता है, तब डीजल डिस्ट्रीब्यूशन की ये सारी प्रक्रिया आप फिर से शुरू कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपने व्यवसाय में डीजल मैनेजमेंट को पूरी तरीके से ऑटोमेट कर सकते हैं, फ्लॉलेस बना सकते हैं और उसमें होने वाले सारे नुकसानों को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं।